मेरा नाम रवि कुमार शर्मा, मेरे चैनल आरके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दर्पण के संबंध में चिन्ह परपाटी के नियम पढ़ेंगे। तो दर्पण के संबंध में चिन्ह परपाटी के नियम में ये एक हमने उत्तल दर्पण बनाया है और एक ये अवतल दर्पण बनाया, जिसे हम ज्यामितीय नियम से भी, ज्यामितीय विधि से भी दूरियां जो नापी जाती हैं धनात्मक और ऋणात्मक कब होती हैं पढ़ेंगे। और इसमें भी दोनों में हमने अक्ष भी बनाई है, ज्यामितीय विधि से भी समझेंगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें एक ये हमने अवतल दर्पण बनाया है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ये ध्रुव पी है, ये फोकस एफ है। तो अवतल दर्पण के परावर्तक तल पर के सामने क्या वस्तु रखी जाती है, तो उससे वस्तु से चलने वाली किरण जब इस पर आपतित होती है, ये किरण इस तरीके से आपतित होती है। इसमें क्या है, ये परावर्तक तल है, इसके सामने ये वस्तु रखी है और इससे किरण क्या होगी, ये आपतित होगी। तो देखो इसके पॉइंट बनते हैं कुछ, चिन्ह परपाटी के नियम क्या होते हैं। पहला नियम होता है कि प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाती है। मतलब लिखते हैं, प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से दर्पण पर आपतित होती है। पहला पॉइंट बनता है, प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से दर्पण के परावर्तक तल पर आपतित होती है, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। देखो ध्रुव ये पी है, पी से ये वस्तु की दूरी नापी गई माइनस के यू, ठीक है, ध्रुव से ही फोकस की दूरी नापी गई, ये क्या एफ है प्लस के, और पी से ये क्या है सी, वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या है प्लस आर। तो दूसरा पॉइंट बन जाता है, दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां नापी जाती है, मापी जाती है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या बनता है, आपतित किरण की दिशा में, ये आपतित हो रही किरण, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे देखो यहां देखते हैं, पी से वस्तु की दूरी ये नापी हमने, पी से इधर से ध्रुव से ये वस्तु की दूरी, तो ये कैसी हो गई दिशा, ये हो गई इसकी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा हो गई, इसलिए दूरी कैसी है माइनस में है। और ध्रुव पी से जब फोकस की हम दूरी है देखो नाप रहे हैं तो क्या आ रही, प्लस के एफ आ रही, क्योंकि ये कैसी है आपतित किरण की दिशा में। देखो वक्रता केंद्र की दूरी नाप रहे, ये भी आपतित किरण की दिशा में, तो प्लस के आर आ रही। तो ये तीसरा पॉइंट इसका क्या बन गया, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट हो गया ये, चौथा पॉइंट इसका क्या बनता है, ये होती है हमारी मुख अक्ष, क्या होती है ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये रेखा क्या होती है मुख अक्ष होती है। तो चौथा पॉइंट बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ली जा होती हैं, ठीक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर जो लंबाइयां होती हैं लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। अब जैसे ये वस्तु रखी गई, अगर वस्तु की लंबाई को देखा जाए तो वस्तु की लंबाई कैसी होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, अगर नीचे प्रतिबिंब बनता है, अगर ऊपर बनता है तो कैसी होगी धनात्मक। यही देखो हम ज्यामितीय विधि से भी समझ सकते हैं, ज्यामितीय क्या विधि क्या होता है, इस एक्स अक्ष पर दूरियां कैसी होती हैं धनात्मक, और इस पर कैसी होती हैं ऋणात्मक, इस तरफ ऊपर कैसी होती है धनात्मक, नीचे होती है ऋणात्मक। यानी जो हमने चौथा पॉइंट बताया था, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई कैसे लेते हैं धनात्मक, तो धनात्मक होती है, नीचे कैसी होती है ऋणात्मक। और इसके बाद इसके एक्स अक्ष पर कैसी दूरियां धनात्मक होती हैं और इसके इस तरफ कैसी होती है ऋणात्मक। देखो तो इस तरफ देखा जाए ये सारी दूरियां कैसी धनात्मक चल रही है, इस तरफ वाली मापी गई दूरियां कैसी हैं ऋणात्मक। तो ये ज्यामितीय विधि से भी समझ सकते हैं। देखो इन पॉइंटों को हम लिख लेते हैं, क्या लिखा, पहला पॉइंट, प्रकाश की किरणें सदैव दर्पण के परावर्तक तल पर बाईं से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा पॉइंट, दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, कहां से नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से,
तीसरा पॉइंट आपतित किरण की दिशा में, या आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसका चौथा पॉइंट है दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर की लंबाइयां धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक होती है। इसके बाद में ये यू वी एफ ओ आई आर ये लिखे हैं, इनको क्या कहते हैं, यू होती है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, वी होती है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ हमारी होती है दर्पण की फोकस दूरी, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, तो इसलिए पहले लेटर से इसके हमने वस्तु की लंबाई को नोट कर लिया, डिनोट कर लिया। प्रतिबिंब की लंबाई को हमने आई से किया, प्रतिबिंब को हम इमेज कहते हैं इसलिए, और वक्रता त्रिज्या को आर से, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर से इसे डिनोट किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो चार नियम है ये, हमने चारों के चित्र ये पहले से बना रखे हैं। देखो पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो मुख्य अक्ष है हमारी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला नियम ये देखो अवतल दर्पण में दिखाया गया, ये उत्तल दर्पण में दिखाया, उत्तल दर्पण में भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और यहां से परावर्तित होकर ये देखो ये चली गई, ये इस तरफ गई है, इसको जब पीछे की ओर बढ़ाते डॉट 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 तो ये ऐसा लगता है एफ से होकर जा रही है, किससे, मुख्य फोकस से। अब दूसरा नियम क्या है, देखो यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, ये दर्पण पे देखो ए बिंदु पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष कैसी होती है, समांतर हो जाती है। देखो यहां पर ये किरण आ रही है, कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, एफ से, ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात कैसी हो गई, मुख अक्ष के ये समांतर हो गई। तो ये दूसरा पॉइंट बन जाता है, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या है दर्पण के फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाते हैं, दूसरा नियम। तीसरा नियम देखो क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती, कहां से आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, और तो वह उसी पथ पर, जिस पथ पर आती है उसी पथ पर क्या हो जाती, परावर्तित होकर लौट जाती है। देखो इसमें भी देखो ये आ रही है, ठीक है, इसी पथ पर ये क्या हो गई, यहीं से परावर्तित होकर लौट गई, कहां से होकर आ रही थी, प्रतीत हो रही थी वक्रता केंद्र से होकर। अब इसके बाद में चौथा देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी उतने ही कोण बनाती हुई क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यही देखो उत्तल दर्पण में भी दिखाया गया। अब बात यहां पर आती है कि प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है ये इस तरफ ही क्यों मुड़ती है, इस तरफ क्यों नहीं जाती है, ये ठीक है, और ये इस तरह, अब जैसे ये फोकस से होकर आ रही तो इधर समांतर हो गई, कैसे हो जाती है, देखो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो ये प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ाया था आपको, ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण का होता है अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, ये अभिलंब होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, जितना कोण बनाती हुई आपतित होती है, ये आई बनता था कोण, उतना ही कोण बनाती हुई वो क्या हो जाती थी, परावर्तित हो जाती थी, ये तब ये लिखा जाता था आई बराबर आर, ये कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन का दूसरा नियम था। यदि कोई प्रकाश की किरण क्या हो, यदि कोई प्रकाश की किरण इसके अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंब पर, अभिलंब पर ये आपतित हो रही है, ये अभिलंब है इसका, अभिलंब पर आपतित हो रही है तो क्या होगा, आपतित हो रही अभिलंब पे तो कोण क्या बनेगा इसके बीच, आपतन कोण इसके बीच तब हो जाएगा जीरो, तो आपतन कोण जीरो है तो परावर्तन कोण भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो उसी रेखा पर ये क्या होगी, वापस परावर्तित हो जाएगी, तो आर बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अवलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई आपतित हुई, कितना कोण, जीरो अंश का कोण बनाती हुई आपतित हुई, जीरो अंश का, ठीक, और परावर्तित हुई तब भी क्या हुई, जीरो अंश का कोण बनाती हुई परावर्तित हुई। तो देखो ये अवलंब से कोण बनाती है, अब यहां पर देखो सभी में हम अवलंब खींच के दिखाते हैं आपको, अवलंब कैसे खींचते हैं, ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे ये इसका फोकस है तो यहाँ क्या होगा, इसका
यहां पर कहीं इसका ये हो गया ये वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र हो गया ये, इसका क्या ये फोकस तो यहां कहीं इसका भी क्या होगा ये वक्रता केंद्र होगा, इसका वक्रता केंद्र है ये, ठीक है ये दिखाई गया वक्रता केंद्र, और इसका भी क्या होगा कहीं यहां कहीं फोकस होगा और यहां कहीं क्या होगा इसका यहां कहीं वक्रता केंद्र होगा सी, ठीक। इसमें भी देख लेते ये फोकस तो यहां पर इसका क्या होगा ये वक्रता केंद्र सी, यहां पर फोकस है तो इसका ये क्या होगा यहां कहीं वक्रता केंद्र ये सी है, इसका वक्रता केंद्र सी दिखाई गया, इसका ये फोकस मान लेते हैं एफ और ये क्या है वक्रता केंद्र सी। देखो समझते हैं, देखो गणित में एक नियम पढ़ा होगा कि ये एक जैसे ये गोला है या वृत्त है, ठीक, उसके केंद्र से यदि कोई परिधि पर रेखा खींची जाती है तो ये कैसी होती अविलंबवत होती, कहीं भी खींच दो आप किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु पर ये सब कैसी होंगी अविलंबवत होती है, ये इस तरीके से अविलंबवत होती है इसके केंद्र ओ से, ये केंद्र है। अब यहां पर इस गोले को अगर पूरा किया तो इसका केंद्र क्या होगा वक्रता केंद्र सी होगा, सी होगा, सी से अगर हम कोई रेखा इस पर खींचते हैं ये जैसे हमने ये खींच दी तो ये क्या होगी इसकी अविलंब का काम करेगी, किसका करेगी अविलंब, क्योंकि इस पे ये क्या बनाया गया कि 90° कोण बनाए तो अविलंब होगी। अब अविलंब होगी नियम पड़ा है कोई प्रकाश की किरण अविलंब सा जितना कोण बनाती हुई आपते तो उतनी कोण बनाती हुई क्या होती है परावर्तित होती है। तो यहां पर देखते हैं ये किरण जो है इससे ये थीटा कोण बनाती हुई क्या हो रही आपतित हो रही है, तो थीटा ही कोण बनाती हुई क्या होगी यहां पर देखो ये थीटा कोण बनाती हुई आपतित हुई और थीटा ही कोण बनाती हुई क्या हो गई परावर्तित हो गई, इसलिए ये फोकस से होकर गई है, फोकस से होकर गई। अब इसके बाद में देखो इसमें देखते हैं इस वाले में, इसमें देखो तो यहां से क्या करते हैं इसको इसका भी अविलंब खींच लेते हैं, ये डॉट डॉट करके हमने ये अविलंब खींच लिया। अब ये अविलंब हमने खींचा है ये कहां तक जाएगा ये पीछे यहां डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे ये अविलंब यहां पर देखो ये कोण थीटा और ये कोण कैसा होगा बराबर, तो ऐसी किरण आपतित हुई अविलंब के साथ थीटे कोण बनाती हुई क्या होगी परावर्तित, इसलिए इस दिशा में क्या होती है परावर्तित होती है। इसमें भी देखो देखेंगे इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे यहां से इस पर अविलंब डाल लेते हैं, ये देखो ये अविलंब ये डाला तो ये कोण बनाती हुई थीटा कोण बनाती हुई आपतित हुई और ये थीटा ही कोण बनाती हुई क्या हो गई परावर्तित, इसलिए मुख अक्ष की कैसी हो गई समांतर हो गई। इस वाले में भी देखेंगे देखो इसमें डॉट डॉट करके ये डॉट डॉट करके दिखाते हैं ये अविलंब हो गया, अब अविलंब हो गया इसको पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं इस अविलंब को ये, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा ये बराबर बराबर, तो इसलिए ये थीटा कोण बनाती हुई आपतित हुई अवलंब सा तो थीटा ही कोण बनाती हुई क्या हो गई ये थीटा कोण बना आपतित हुई थीटा ही कोण बनाती हुई परावर्तित हुई और मुख अक्ष के समांतर हो गई। अब इसके बाद में इस वाले में देखेंगे सी में देखो इसमें क्या है इसमें पहले ही से सी से ये इस पर इस बिंदु ए पर क्या है अविलंब है, तो ये अविलंब पर ही क्या आ रही है प्रकाश की किरण आ रही है तो क्या होगी कितना कोण बनाएगी 0° अंश का कोण बनेगा, तो उसी पर क्या होगी वापस लौटेगी 0° अंश का कोण बनाती हुई, यही इसमें देखो ये दिखाया गया ये अब इस पे आपतित हो रही है वक्रता केंद्र में और ये क्या है इसका अविलंब है ये अविलंब है ए और ये सी, तो इस पर आपतित हो रही है तो इसी दिशा में क्या होगी परावर्तित होगी उत्तर में दिखाया गया। अब इसमें क्या होता है इसमें अविलंब का काम क्या कर रही है ये मुख अक्ष कर रही है अविलंब का काम, क्योंकि ये सी क्या है वक्रता केंद्र है और यहीं से इस पर क्या खींचा गया ये रेखा ये अविलंब का काम करेगी, तो ये किरण जो है अविलंब से थीटा कोण बनाती हुई आपतित हो रही थीटा कोण बनाती हुई क्या हो रही परावर्तित, ऐसी इसमें हो रही ये वक्रता केंद्र से ये रेखा तो ये भी क्या होगी अवलंब का काम करेगी और थीटा कोण बनाती हुई ये क्या हो रही आपतित हो रही थीटा कोण बनाती हुई परावर्तित। तो इनके देखो चारों पॉइंटों को हम लिख लेते हैं चारों को, तो ये देखो लिखे चारों पॉइंट, पहला पॉइंट ये दो चित्रों से ये अवतल और ये उत्तल के लिए क्या लिखा है जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है इससे लिखा है जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर आपतित होती है, देखो फोकस से होकर आपतित हो रही आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। क्यों हो जाती है देखो हमने बताया था। अब तीसरा पॉइंट क्या है चित्र से लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से, देखो वक्रता केंद्र दर्पण का, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो वह
परावर्तन के पश्चात उसी पद पर वापस लौट जाती है। ये अब चौथा पॉइंट इससे लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है ठीक उतने ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। ये देखो ये लिखा पॉइंट, ये तो चार पॉइंट थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए। हम प्रतिबिंब की रचना करेंगे भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तुएं रखकर, तो हम क्या करें इन्हीं नियमों को लगाएंगे उसमें, इन्हीं नियमों का पालन करेंगे और चित्र को बनाएंगे, उनके फिगर बनाएंगे। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं और उत्तल की 2 स्थितियां को हम पढ़ेंगे।